हेलो। हेलो सर। हाँ जी माधुरी बोलिए। सर, अब कल फर्स्ट क्लास किया था कॉस्ट का, फाइनल फाइनल का कि इंटर का? का। ओके, क्या रहा आपका, कैसा रहा? और सर, अच्छा था क्लास, क्लैरिटी मिला सब्जेक्ट के बारे में। बट सर, मेरा अटेम्प्ट May 24 है, तो सर इशू नहीं होगा इतना पहले अगर पहले। इशू कुछ नहीं है, बस याद रखना है और क्या, रिवीजन करते रहना है, अप टू डेट रहना पड़ेगा। सारा चीज़ आपको बताया ही मैंने वीडियो में कि आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। मैं जब पढ़ाया हूँ वो अभी तक का पढ़ाया हूँ, तो उसके बाद तक जितना जो आते जाएगा इंस्टीट्यूट की तरफ से वो आपको अप टू डेट करना पड़ेगा, तो दैट विल टेक टाइम, तो वो अलग एफर्ट बस बनता चला जाएगा आपका। तो उसको आप एक्यूमुलेट नहीं करोगे, उसको आप क्या करोगे, जैसे जैसे अभी पहले क्लास ख़त्म करो, उसके बाद जो भी नया चीज़ जुड़ रहा है ना वो मैं यूट्यूब में आपका बैच नंबर के हिसाब से प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, तो जो भी नया जुड़ेगा उस प्लेलिस्ट में आते जाएगा और वो प्लेलिस्ट को पीरियोडिकली बैठ के ख़त्म कर देना है। ऐसा नहीं कि वो एग्ज़ाम के पहले तक छोड़ के रखें। सर, तो क्लासेस के साथ साथ ही वो प्लेलिस्ट देखते जाना है आपको क्लास कंप्लीट करने के बाद। कंप्लीट करने के बाद ऑफकोर्स। और बताइए कहाँ से हैं आप? कलकत्ता से हैं? सिलीगुड़ी नो सर, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल। से? वेरी नाइस, चलिए अच्छा है। और कुछ क्वेरी है तो बताइए। नॉर्मली बस ऐसा यही है कुछ कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट लेने का तरीका है कि लिखते लिखते पढ़ना साइड साइड में, दूसरा है कि जो भी होमवर्क दिया जाए संग संग करना, तीसरा है कि थोड़ा बहुत मतलब एक रूल बना लीजिएगा, हर दिन क्लास के पहले 15 मिनट पुराना क्लास जो पढ़ा था उसको देख के पढ़ाई चालू करें, और हर दिन क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट बैठ के आज जो जो पढ़ा उसको रिवाइज करें। तो ये 15 मिनट ठीक मैजिक की तरह काम करता है, इसमें बहुत सारे जो अटकन होते हैं वो सुलझ जाएंगे। इस 15 मिनट में आप देखोगे कि आपको चीज़ें याद रहने लग गई है। नॉर्मली क्या होता है ना, एक एक क्लास के बाद तीसरी क्लास में कुछ कनेक्ट होता है ना, तो बोलते अरे याद ही नहीं, तो याद नहीं होने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, याद रहने से कॉन्फिडेंस अप रहता है। ठीक है। सर, स्टैंडर्ड कुछ टाइम लिमिट होता है कि कितना मंथ्स में ट्यूशन कंप्लीट हो जाना चाहिए एक सब्जेक्ट? हाँ बिल्कुल होता है, ऐसे May 24 के हिसाब से अगर हम चलें तो नॉर्मली अपने बोलते हैं कि उसके 6 मंथ्स पहले सारा ट्यूशन हो जाना चाहिए, तो ये सबसे पहला चीज़ है। और उसके अलावा आपको मैक्सिमम एक सब्जेक्ट के लिए 4 मंथ्स लगना चाहिए, तो डेट फिक्स करके माइंड में 4 मंथ्स में खत्म करना ही करना। ओके 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 चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।